हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार सामने और आप देख रहे हैं मैथ्स इज लाइफ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड्स है। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन। सेकेंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड मेथड फॉर्मूला मेथड। हम ज्यादातर फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, और जहां पे ये मेथड काम नहीं करेंगे उधर हम इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अब समझे कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन में ए की वैल्यू होगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो हम मानेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो b की वैल्यू होगी 5, ये होगा a, ये होगा b और 6 होगा c। तो दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम c के ऐसे फैक्टर्स देखेंगे कि जिनकी एडिशन 5 होगी। तो आप पूछेंगे कि सिर्फ एडिशन ही क्यों, सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास 6 के ऐसे फैक्टर्स हैं 2 एंड 3, ये अगर हम ऐड करेंगे तो इनकी एडिशन होगी 5। और 6 के ऐसे भी फैक्टर्स हैं 6 एंड 1, जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें यही आंसर देते हैं 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन से फैक्टर सेलेक्ट करें? तो अब हमें इधर की साइन देखनी होगी। इधर अगर पॉजिटिव साइन होगी तो हम एडिशन सिलेक्ट करेंगे, और अगर इधर नेगेटिव साइन होगी तो हम सब्सट्रैक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एडिशन की साइन है तो हम 2 एंड 3 ये रूट सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर्स हुए 2 एंड 3। तो अब हम ये इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो अब हम x स्क्वायर जैसा है वैसा लिखेंगे और 5x के फैक्टर्स लिखेंगे जो हमने डिराइव किए थे 3 एंड 2। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब हम दो दो टर्म्स की पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में से हम x कॉमन निकालेंगे और लिखेंगे x प्लस 3, और सेकेंड पेयर में से हम 2 कॉमन निकालेंगे और लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब हम इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे और लिखेंगे x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो इससे हमारे पास होगा x प्लस 3 इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज होगी, एक तो x इक्वल्स टू नेगेटिव 3 और x इक्वल्स टू नेगेटिव 2। उसी तरीके से अगर हमें दूसरा कोई इक्वेशन दिया होगा 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 45 इक्वल्स टू जीरो। तो पिछले इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू 1 थी, इस बार a की वैल्यू 15 है। तो अब फैक्टर्स निकालते वक्त हम 45 के फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे 45 इंटू 15 के। जब भी हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें c और a का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस बार भी हम c और a का मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 15। तो 45 इंटू 15 होंगे 675। तो अब हम 675 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। हमें 675 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होंगे कि जिनकी सब्सट्रैक्शन
2y। तो 675 के ऐसे कौन से वेक्टर्स होंगे कि जिनकी सब्सट्रैक्शन -2 होगी, तो इनके फैक्टर्स ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम 45 एंड 15 के फैक्टर्स देखेंगे। 45 के फैक्टर्स होंगे 5 एंड 9 और 15 के फैक्टर्स होंगे 5 एंड 3। तो अब हम दो दो फैक्टर्स सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हमने 5 एंड 5 सिलेक्ट किया तो 5 का आंसर होगा 25 एंड दूसरे फैक्टर्स होंगे 9 एंड 3, तो 9 × 3 = 27। तो अगर हम 27 को 25 से सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -2 और यही हमें चाहिए। तो हमारे फैक्टर्स होंगे 25 एंड -27। तो अब हम ये इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, 15x² - 2x - 45 = 0। अब हमने देखा था कि इनके फैक्टर्स 25 एंड -27 ऐसे आते हैं, तो हम लिखेंगे 15x² - 27x + 25x - 45 = 0। अब हम फर्स्ट टर्म में से 3x कॉमन निकालेंगे, तो हमें मिलेगा 5x - 9 एंड इस इक्वेशन में से 5 कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5x - 9 = 0। फिर से ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे तो मिलेगा 5x - 9 × 3x + 5 = 0। तो हमारे पास होगा 5x - 9 = 0 और 3x + 5 = 0। तो हमारे पास x की वैल्यूज होगी 9/5 और x = -5/3। तो ये है हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर्स। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन हो कि जिसके फैक्टर्स हम नहीं निकाल सकते, तो हम सेकेंड मेथड या थर्ड मेथड यूज करेंगे। सेकेंड मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड मेथड है फॉर्मूला मेथड। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन हो x² + 12x + 44 = 0, तो ये इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास 44 के कोई ऐसे फैक्टर्स है ही नहीं कि जिनकी एडिशन 12 आए। तो अब हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड समझने के लिए पहले हमें ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि a + b ((²) = a² + 2ab + b². तो अब हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है विच इज x² 2ab में हम 12x को ऐसे लिख सकते हैं 2 × x जो कि a है इंटू b की वैल्यू हम लेंगे 6, तभी 6 × 2 = 12 आएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू है 6, तो हम b² को लिखेंगे, b² मतलब 6 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 36। तो हमें कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ये इक्वेशन चाहिए, x² + 12x + 36 ये इक्वेशन चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं x² + 12x + 36 और हमने 44 में से 36 पहले ही ले लिए, तो हम इसमें बाद में 8 ऐड कर देंगे क्योंकि 36 + 8 = 44 होता है। तो हम 44 को 36 + 8 लिख सकते हैं, तो = 0। देन x² + 12x + 36, ये हमने देखा था कि ये होगा a, ये 36 मतलब होगा 6² तो 6 होगा b, तो इसको हम लिखेंगे x + 6 (²) a + b (²). तो हम इसको लिखेंगे x + 6 (²) = -8। 8 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो आएगा -8। अब आगे सॉल्व करने के लिए
हमें दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा x प्लस सिक्स और राइट हैंड साइड आएगा रूट ऑफ नेगेटिव एट। और हम जानते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर उसके दो पॉसिबिलिटीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हमारे पास x की वैल्यू होगी नेगेटिव सिक्स प्लस और माइनस रूट नेगेटिव एट। तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आती, तो इसका मतलब x की इस इक्वेशन के लिए कोई रियल रूट्स नहीं है। अब यही आंसर हमारा फॉर्मूला मेथड से भी आता है कि नहीं वो अब हम चेक करेंगे। तो अब हमारे पास x का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू नेगेटिव बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो अब हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 12, c की वैल्यू है 44। तो अब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू नेगेटिव b मतलब नेगेटिव 12 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर विच इज 144 माइनस 4 इंटू ए सी मतलब 4 इंटू 44 176 एंड 176 इंटू 1 होगा 176 अपॉन 2 इंटू 1। तो अब हमारे पास x आएगा x इक्वल टू नेगेटिव 12 प्लस और माइनस अंडर रूट 144 माइनस 176 होगा नेगेटिव 32 अपॉन 2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू नेगेटिव 12 अपॉन 2 प्लस और माइनस रूट 32 अपॉन 2। तो जब हम ये पूरा नंबर स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो हम 2 को 4 लिखेंगे और उसको भी स्क्वायर रूट में इंक्लूड कर देंगे। अब हमारे पास इसका आंसर आएगा x इक्वल्स टू नेगेटिव 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव 8। यही आंसर हमारा लास्ट मेथड से भी आया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसका मतलब कि आप कोई भी इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आने वाला है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन्हीं तीन मेथड में से कोई एक मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ आंसर सिलेक्ट करने के होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें अब हम शॉर्टकट ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो अगर आपको भी शॉर्टकट ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना होगा तो आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।